गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर एवरीथिंग विद अ क्रेजी गर्ल। मैं बबीता आप लोगों के साथ, और आज का जो ये वीडियो लेके आई हूँ ये है गाउन के ऊपर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को सारे तरीके के गाउन दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिटी गाउन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साइड में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फिर बिना लेट किए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं गाउन दिखाने वाली हूँ वो है येलो कलर का गाउन। इस गाउन को देखेंगे तो ये इसका फ्रंट का जो लुक है कुछ इस तरीके का। इसका जो नेक है आपको कॉलर नेक में मिलेगा, कॉलर नेक के बाद में इसमें ये काम हुआ है, ये पूरा दोनों साइड में हाफ तक काम हुआ है। इसका जो फैब्रिक है ये फैब्रिक है हल्का सा सिंथेटिक टाइप में, जो फैब्रिक आते हैं ये वो वाला फैब्रिक है। और इसमें इस तरीके से नीचे में पूरा डिजाइन है, लाइक जो बिंदी टाइप के स्टोन्स आते हैं वो लगे हुए हैं इसमें। तो ये पूरा गाउन में आगे की साइड में ये पूरा काम हुआ है, और पीछे की साइड में अगर आप देखेंगे तो ये प्लेन है, पीछे की साइड से ये पूरा ऐसे प्लेन है। और इसका घेर काफी बड़ा है, जो इसके नीचे गाउन का घेर होना चाहिए वो पूरा काफी बड़ा है। और ये एक्चुअली पैडेड में है, ये पैडेड में आता है ये गाउन। और आगे की साइड में इसके ऐसे बटन सी हैं, थोड़ा रेडिश सा काम है। तो ये ओवरऑल ये गाउन का लुक हो गया। इसके अंदर आपको एक अटैच कपड़ा भी मिलता है जिससे कि ट्रांसपेरेंट ना दिखे। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा सिल्क टाइप में कपड़ा है जो ट्रांसपेरेंट आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सिंगल अगर कपड़ा होगा तो वो काफी बार आपके जो पैर वगैरह होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो इसके लिए इसमें ये डबल लेयर का गाउन है और काफी खूबसूरत सा गाउन है। पीछे की तरफ से इसका जो नेक है ये ऐसा डिजाइन है, तो ओवरऑल लुक ये है। इसके साथ में अगर मैं बात करूं, और इसके नीचे पहनने के लिए लेगिंग्स है, लेकिन लेगिंग्स को जो कपड़ा है बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, बहुत लाइट सा लेगिंग्स का कपड़ा है। बहुत लाइट वेटेड वाली जो लेगिंग्स आती है आजकल वो है सिर्फ, क्योंकि गाउन पूरा होता है लेकिन इसके नीचे सिर्फ ये सेफ्टी पर्पज से पहनने के लिए ये है लेगिंग्स। और जो इसका सबसे खूबसूरत पार्ट है वो है इसका दुपट्टा। आप देख रहे हो ये चुनरी टाइप का दुपट्टा है, साइड में ये ऐसे काम हुआ है इसमें, और ये पूरा ओवरऑल साइड में इसके रेड कलर और येलो कलर में ये पूरा है, ये चुनरी वाला दुपट्टा जो आता है। ये एक्चुअली बहुत ज्यादा चौड़ाई में नहीं है, लेकिन हाँ लंबाई में काफी है, लंबाई में काफी है, पर चौड़ाई में थोड़ा सा ये पतला है। लाइक एक दुपट्टे जितना चौड़ा वाला दुपट्टा आता है उसका हाफ मान सकते हो इस तरीके से। तो ये ओवरऑल लुक में काफी पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर इस गाउन के लुक की बात करूं तो इस दुपट्टे ने इस गाउन का लुक काफी हद तक इंक्रीज किया है। तो इसके साथ में ये दुपट्टा आ जाता है, ये है हमारा फर्स्ट गाउन। अगर मैं सेकेंड गाउन की बात करूं तो वो ये है, ये ब्लैक कलर में, और ये गाउन लाइक की बहुत हैवी नहीं है, ये लाइट वेटेड गाउन है टाइप है ये पूरा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है इसका डिजाइन, इसका ये यहाँ तक पूरा ये डिजाइन है, और ये नीचे इसके इस तरीके से काम हुआ है। सेम ये जैसे ऊपर की साइड में इन्होंने ये काम दिया है, ऐसे ही इसके बाजू में भी है, और इस बाजू में, और नीचे की साइड में पूरा प्लेन होने के बाद ये नीचे, क्योंकि ब्लैक पे ऑरेंज और येलो का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा होता है। तो ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। इसका जो नेक है वो राउंड शेप में है, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाउन है।
इन सब का प्राइस मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। आप इसकी इमेज क्लिक करके मीशो पे अपलोड करोगे तो सेम ऐसा नहीं तो लेकिन इसकी जैसा आपको गाउन जरूर वहां पे मिल जाएगा। और इसके बाद अगर मैं थर्ड गाउन की बात करूं तो थर्ड गाउन है मेरे पास ये पिंक कलर का, और ये गाउन थोड़ा हैवी है। लाइक आप अगर देखोगे तो ये पिंक कलर का बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत प्रीटी सा कलर, ये बहुत प्रीटी सा कलर है। लाइक एक होता है जो हाइलाइटेड वाला पिंक होता है, ये वो वाला पिंक कलर है। आप इसकी डिजाइन देखिए, ये पूरा आगे का डिजाइन है इस तरीके से। अगर मैं इसके नेक की बात करूं तो इस तरीके से राउंड नेक में है, और यहाँ पे हाफ तक, यहाँ तक इसके हाफ तक जाली लगी हुई है। जाली के बाद इन्होंने ऐसे यहाँ पे कपड़ा अटैच कर रखा, और ये भी पैडेड है। और पीछे की साइड में इसका सबसे बेस्ट जो पार्ट है वो पीछे की साइड में ये पूरा जाली है। आप देखोगे तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है आपकी कमर तक, और इसमें पीछे भी पूरा काम हुआ है। और इसमें भी देखो, इसके डिटेल में अगर हम डिजाइन देखें, और ऐसे ही सेम ये पीछे की साइड में, ये अंदर से भी डबल लेयर में है इस तरीके से, इसके अंदर भी कपड़ा लगा हुआ है। और ये नीचे की साइड का, ये पूरा नीचे की साइड का काम, इसके पूरे घेर, लाइक जो पूरा गाउन का घेर होता है, इसके पूरे घेर पे वर्क है। और पीछे में ये ऐसे प्लेन है, ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये वन पीस गाउन है, इसके नीचे भी हमें सेम पिंक कलर की लेगिंग्स मिलती है इस कलर में पहनने के लिए। और इसके साथ में दुपट्टा नहीं आया था, ये ऐसे ही प्लेन है क्योंकि ये वन पीस में है पूरा, तो ये काफी अच्छा गाउन है। अगर इसके बाद में फोर्थ गाउन की बात करूं तो वो गाउन है ये ब्लैक कलर में। इसका ओवरऑल लुक ये पूरा प्लेन है, और ये गाउन आप अगर चाहो तो नेट का कपड़ा लेके भी बनवा सकते हो। ये गाउन मैंने नेट के कपड़े के साथ ही बनवाया था, एक्चुअली ये मैंने बनवाया है, और ये पहनने के बाद इतना प्यारा लगता है। ये भी पैडेड बनवाया, और पीछे की साइड में इसमें चैन है, पीछे की साइड से ये ऐसे है, इसमें यहाँ पे बीच में एक चैन है। इसका जो एक्चुअल चैन थी वो खराब हो गई थी, तो मैंने उसकी जगह दूसरी चैन लगवाई, उसने ये वाली चैन लगा दी, बट इसको हाँ चेंज कराना है। और इसमें ये इस तरीके से डोरी लगवाई है, और ये इसका ओवर, सिर्फ बाजू में इसके कपड़ा नहीं है, सिर्फ जाली है। और अगर आप देखोगे तो अंदर इसके कपड़ा लगा हुआ है, इसके अंदर कपड़ा है, और ये ऊपर से जाली है। तो ये पूरा ब्लैक गाउन है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत प्रीटी लुक देता है ये। तो आप इसको कपड़े के साथ भी बनवा सकते हो, या अगर आप इसको ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो सेम इसी कपड़े में इसी तरीके का आपको गाउन भी मिल जाएगा। तो ये सारे गाउन बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसका प्राइस साइड में आपको मेंशन कर दिया है, अगर मुझे लिंक मिलता है तो मैं डेफिनेटली आपको लिंक भी प्रोवाइड करूंगी जिससे कि आप भी इसको मंगा पाओ।
और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा गाउन इनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा है। सो गाइस, फिर से मिलती हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू, बाय बाय।